दोस्तों, किसी भी देश की इकोनॉमी को हम दो सेगमेंट्स में बांट सकते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल इकोनॉमी उस सेक्टर को कहते हैं जो रजिस्टर्ड फर्म्स द्वारा कंपोज किए जाते हैं। ये फर्म्स गवर्नमेंट लॉ के अंडर ऑपरेट करते हुए टैक्सेशन, एम्प्लॉय बेनिफिट्स और ऐसे सारे लीगल प्रोविजंस को फॉलो करती हैं जो किसी भी देश की गवर्नमेंट द्वारा ले डाउन किए जाते हैं। वहीं दूसरी ओर इनफॉर्मल इकोनॉमी किसी देश के उन एंटरप्राइजेस द्वारा कंपोज रहती हैं जो गवर्नमेंट लॉज द्वारा रेगुलेट नहीं की जाती। ऐसे बिजनेसेस जो इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करते हैं, जिनका अपने एम्प्लॉयज के साथ कोई लीगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता और जो लीगल स्टेचर द्वारा मॉनिटर नहीं किए जाते, इनफॉर्मल सेक्टर का हिस्सा होते हैं। ऐसे एंटरप्राइजेस में एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज के बीच का रिलेशन किसी गवर्नमेंट लॉ द्वारा नहीं बल्कि एम्प्लॉयर द्वारा पर्सनली डिसाइड किया जाता है। सोशल स्टैटिस्टिक्स डिवीजन के एडिशनल डायरेक्टर जनरल मिस्टर एसवी रमन मूर्ति अपने एक पेपर में बताते हैं कि एक इनफॉर्मल वर्कर ऐसा वर्कर होता है जिसके पास काम के लिए ना कोई रिटन कॉन्ट्रैक्ट होता है, ना पेड लीव, ना हेल्थ बेनिफिट्स और ना ही किसी और तरह की सोशल सिक्योरिटी। नवंबर 2019 में कंडक्ट हुए इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के 7th स्टैटिस्टिकल फोरम के दौरान मिस्टर मूर्ति ने इनफॉर्मल सेक्टर को हाईलाइट करते हुए ये बताया कि इंडियन इकोनॉमी में 92.4% वर्कर्स इनफॉर्मली एम्प्लॉयड हैं, जो मिनिमम वेजेस के अलावा किसी भी तरह की बेनिफिट से वंचित हैं। SBI के इकोनॉमिक रिसर्च डिपार्टमेंट द्वारा रिलीज इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि डिजिटाइजेशन, GST और गिग इकोनॉमी के कारण इंडिया की इनफॉर्मल इकोनॉमी जो 2018 में देश की GDP का 52% हुआ करती थी, आज 15-20% ही बची हुई है। दोस्तों, आज का ये वीडियो इंडिया के इनफॉर्मल इकोनॉमी पे बेस्ड है, जहां आज के डिस्कशन के माध्यम से हम इंडिया के इनफॉर्मल इकोनॉमी को बेटर वे में समझने का प्रयास करेंगे। आज इस डिस्कशन के माध्यम से हम इंडिया के इनफॉर्मल सेक्टर के क्राइसिस को जानेंगे और देखेंगे कि गवर्नमेंट इस सेक्टर को फॉर्मल इकोनॉमी में इंटीग्रेट करने के लिए क्या स्टेप्स ले रही है। आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। दोस्तों, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार वो इकोनॉमिक यूनिट्स जिन्हें इंडिविजुअल्स ओन करते हुए जीरो से इनफाइनाइट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कंटिन्यूअस बेसिस पे हायर करते हैं, लेकिन उन्हें किसी गवर्नमेंट लॉ के अकॉर्डिंग रेगुलेट नहीं किया जाता है, उन्हें इनफॉर्मल इकोनॉमी में काउंट किया जाता है। किसी वर्किंग एग्रीमेंट के एब्सेंस में और गवर्नमेंट लेजिस्लेशन के प्रीव्यू से बाहर होने के कारण इस सेक्टर के एम्प्लॉयमेंट, डायरेक्ट टैक्सेस, सोशल सिक्योरिटी उस हद तक एंश्योर करनी कठिन होती है जितनी फॉर्मल सेक्टर में एंश्योर की जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर, कोई गवर्नमेंटल एम्प्लॉय या रजिस्टर्ड फर्म जैसे टाटा के एम्प्लॉय को उसकी सैलरी के साथ कई सोशल बेनिफिट्स मिलते हैं। इनमें पेड लीव्स, मेडिकल सपोर्ट, प्रोविडेंट फंड एक्सेट्रा शामिल हैं। लेकिन कोई इनफॉर्मल एम्प्लॉय, एग्जाम्पल के तौर पे डेली वेज लेबरर, कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर, ऑटो कैब ड्राइवर्स, स्मॉल शॉप्स पे काम करने वाले वर्कर्स, इन्हें फॉर्मल एम्प्लॉयज की तरह अपनी सैलरी के सिवा किसी भी तरह की बेनिफिट नहीं मिलती। ना ही इन्हें पेड लीव्स मिलते हैं, ना कोई मेडिकल सपोर्ट, ना प्रोविडेंट फंड या किसी दूसरी तरह की सोशल सिक्योरिटी। इसके अलावा इनफॉर्मल एम्प्लॉयज की वर्किंग कंडीशन किसी लॉ द्वारा डिसाइड नहीं की जाती, बल्कि इन्हें उस फर्म के ओनर द्वारा डिक्टेटेड टर्म्स पे काम करना पड़ता है। आज ग्लोबल इकोनॉमी का एक मेजर सेक्शन इनफॉर्मल सेक्टर द्वारा कवर किया जाता है। वहीं इंडिया में इनफॉर्मल वर्कर्स टोटल वर्कफोर्स का 93% कंट्रीब्यूट करते हैं। इनफॉर्मल सेक्टर डेवलपिंग या ऐसे देशों में राइज में देखा जा सकता है जहां लार्ज पॉपुलेशन बेस खुद को फॉर्मली एम्प्लॉयड करने के लिए नेसेसरी स्किल्स डेवलप नहीं कर पाती। इसके अलावा गवर्नमेंट द्वारा एक यूनिवर्सल एम्प्लॉयमेंट कोड न डेवलप कर पाना भी वर्कर्स को इनफॉर्मली एम्प्लॉयड कैटेगरी में ढकेल देता है। इंडिया के इनफॉर्मल सेक्टर के 50% से ज्यादा वर्कफोर्स एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वॉल्व है, वहीं रेस्ट 50% नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर में डेली वेज लेबरर्स हैं। इस नॉन एग्रीकल्चरल लेबर का लगभग 50% वर्कफोर्स सिटीज में लोकेटेड है। इसके अलावा गिग इकोनॉमी जैसे न्यू मार्केट सिस्टम्स भी इनफॉर्मल वर्कर्स की संख्या को इंक्रीज करते हैं। दोस्तों, गिग इकोनॉमी एक ऐसा फ्री मार्केट सिस्टम होता है जहां शॉर्ट टर्म एंगेजमेंट बेसिस पे इंडिपेंडेंट वर्कफोर्स हायर की जाती है। फ्रीलांसर्स, पार्ट टाइम वर्कर्स, प्रोजेक्ट बेस्ड वर्कर्स इत्यादि इस गिग इकोनॉमी का हिस्सा होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अमेजोन, स्विगी, जोमैटो या फ्लिपकार्ट द्वारा हायर किए गए डिलीवरी बॉयज या ओला उबर कैब ड्राइवर्स ये गिग इकोनॉमी वर्कफोर्स कंस्टिट्यूट करते हैं। एक एस्टिमेट के मुताबिक इंडिया में 50% नए एम्प्लॉयमेंट्स गिग इकोनॉमी कंपनीज द्वारा जनरेट किए जाते हैं, जो मैनुअल लेबर से लेकर ऑफिस के डेस्क जॉब तक ऑफर करती हैं। दोस्तों, लार्ज वर्कफोर्स को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के साथ इनफॉर्मल सेक्टर्स हमारे देश की GDP में भी सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करता है।
प्रिसाइज और रिलेवेंट डेटा की कमी के कारण एग्जैक्ट परसेंट बताना तो कठिन है, लेकिन कुछ एस्टिमेट्स के मुताबिक इनफॉर्मल सेक्टर इंडिया की जीडीपी का लगभग 50% कंट्रीब्यूट करती है। मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेड, कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्ट, हॉस्टल्स जैसे पर्सनल सर्विसेज के साथ इनफॉर्मल सेक्टर एंटरप्राइजेस इन एक्टिविटीज के मेजर प्लेयर बनके उभरे हैं। ग्लोबलाइजेशन के एडवेंट के बाद प्रोडक्शन चेन्स में हुए रीऑर्गेनाइजेशन ने प्रोडक्शन सिस्टम्स को फ्लूड, फ्लेक्सिबल और नॉन स्टैंडर्डाइज्ड बनाया है, जिसने हमारे देश में इनफॉर्मल सेक्टर का एक्सपेंशन किया है। ग्लोबलाइजेशन ने एंसिलराइजेशन या सब कॉन्ट्रैक्टिंग और आउटसोर्सिंग जैसे फिनोमिनन को बढ़ावा दिया है, जिसके चलते लेबर का इनफॉर्मलाइजेशन बढ़ गया है। एग्जाम्पल के तौर पर ये समझिए कि वेस्टर्न वर्ल्ड की बड़ी कंपनीज जैसे कि एडिडास, रीबॉक या बाकी की टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनीज में डेवलप्ड वर्ल्ड में कॉस्टली लेबर मिलता है। चीप लेबर की तलाश में वो इंडिया और चाइना में अपने प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग को आउटसोर्स कर देते हैं। यहाँ पर लोकल MSMEs इन कंपनीज के प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं और पेरेंट कंपनी उनकी ब्रांडिंग करती है, ऑब्वियसली आफ्टर क्वालिटी चेक। ये कंपनीज के लिए इसलिए भी बेनिफिशियल होता है कि वो बड़े प्लांट्स को जीरो से सेटअप करने की कॉस्ट को बचा लेते हैं और गवर्नमेंट रेगुलेशन से भी बच जाते हैं। आज ऑलमोस्ट हर बड़ी कंपनी ऐसे ही ऑपरेट करती है। ये मेथड लार्ज वर्कफोर्स को जॉब्स देने का काम तो करता है, लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर कई तरह के इश्यूज के कारण आज इंडिया समेत पूरी दुनिया के लिए एक कंसर्न का विषय है। जहां एक और वेलफेयर स्टेट के कॉन्सेप्ट के साथ लगभग सारी दुनिया ने खुद को रीऑर्गेनाइज करने का प्रयास किया है, वहीं इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट ने वर्कर्स को एक्सप्लॉयटेशन के और करीब लाकर खड़ा कर दिया है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखें तो कई रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि डिमोनेटाइजेशन और कोरोना वायरस कॉस्ट लॉकडाउन जैसे इश्यूज ने इन प्रॉब्लम्स को फर्दर ऑगमेंट किया है। आइए समझते हैं अगले सेक्शन में। दोस्तों, इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट के कई नेगेटिव इम्पैक्ट हैं। यदि इकोनॉमिक टर्म्स में देखा जाए तो ओनर्स के अकाउंटेबिलिटी की कमी के कारण इन सेक्टर्स में एम्प्लॉयड मैक्सिमम एम्प्लॉयज गवर्नमेंट के टैक्स स्ट्रक्चर से खुद को बाहर रख पाते हैं, जिससे हमारे देश को डायरेक्ट टैक्सेस का सिग्निफिकेंट लॉस होता है। इसी कारण से टैक्स का बर्डन फॉर्मल एम्प्लॉयज के ऊपर आता है, जिन्हें 30% तक टैक्सेस पे करने पड़ते हैं। इंडिविजुअल फ्रंट पे लार्ज वर्कफोर्स पॉपुलेशन होने के कारण इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर्स को ओनर्स की रहम पे पहुंचा देता है, जहां वो अपनी बिजनेस नीड के अकॉर्डिंग उन्हें एक्सप्लॉइट कर पाते हैं। इसके अलावा प्रॉपर अलाउंसेस ना होने के कारण इनफॉर्मल वर्कर्स किसी भी तरह की सोशल सिक्योरिटी से वंचित रह जाते हैं। इनमें सबसे ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन विमेन का होता है। केवल इंडिया ही नहीं, ग्लोबली इस बात को ऑब्जर्व किया गया है कि इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट के कारण विमेन वर्कफोर्स सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइट हुई है। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क के प्रिंसिपल्स के बावजूद इंडिया के रूरल और कई अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ये देखा गया है कि एक मेल लेबर के कंपैरिजन में फीमेल लेबरर्स को कम पे किया जाता है। डोमेस्टिक हेल्प और मैनुअल लेबर जैसी जॉब में भी विमेन के सिग्निफिकेंट पार्टिसिपेशन के बावजूद उनके फाइनेंशियल रिटर्न्स मेल के कंपैरिजन में कम होते हैं, जिसका सीधा इफेक्ट डोमेस्टिक सेविंग्स और सोशल स्टेटस पे पड़ता है। इंडिया में यदि ओवरऑल इनफॉर्मल सेक्टर को कंसिडर किया जाए तो 2007 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद सबसे बड़ा इम्पैक्ट डिमोनेटाइजेशन ने डाला था। इंडियन इनफॉर्मल इकोनॉमी आज भी मेजरली कैश पेमेंट्स पे डिपेंड करती है। जब डिमोनेटाइजेशन के दौरान इंडिया में लीगल टेंडर करेंसी को इनवैलिड डिक्लेयर किया गया तो इकोनॉमी का वो सेक्शन जो बैंक अकाउंट ट्रांसफर और डिजिटल वर्ल्ड से लिंक था, उन्हें क्राइसिस कम देखने को मिली थी। लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर जहां ज्यादातर पेमेंट कैश में किए जाते हैं, वर्कर्स और एम्प्लॉयर्स दोनों के लिए एक डेडलॉक सिचुएशन बना। नतीजा ये रहा कि कई वर्कर्स को अपना एम्प्लॉयमेंट खोना पड़ा और कई रूरल वर्कर्स नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से लोन लेने पे मजबूर हुए। सिमिलरली कोरोना वायरस लेड लॉकडाउन ने इनफॉर्मल सेक्टर पे गहरा इम्पैक्ट डाला, लेकिन इसका इम्पैक्ट मिक्स था। गवर्नमेंट द्वारा इम्पोज लॉकडाउन के कारण जहां दूसरे नॉन डिजिटल सेक्टर का काम ठप हो गया, वहीं गवर्नमेंट द्वारा फूड एंड अलाइड सर्विसेज पर लॉकडाउन नॉर्म्स में एग्जेम्पशंस इन सेक्टर में एम्प्लॉयड वर्कफोर्स के लिए रिलीफ बना। इनफॉर्मल सेक्टर की 50% वर्कफोर्स के एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व होने के कारण इस सेक्शन को लॉकडाउन से ज्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ, लेकिन वर्कफोर्स का वो सेक्शन जो नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर्स में इन्वॉल्व था, उन्हें इसका सीवियर इम्पैक्ट देखने को मिला। इस सेक्शन का भी वो पॉपुलेशन जो रूरल एरियाज की जगह अर्बन सेंटर्स में लोकेटेड था, उन्हें क्राइसिस झेलनी पड़ी। इस क्राइसिस को हम माइग्रेंट लेबरर्स के जर्नी में देख सकते हैं, जो उन्हें लॉकडाउन में करनी पड़ी। इसके साथ लॉकडाउन के कारण फॉर्मल सेक्टर वर्कफोर्स में भी श्रिंकेज देखने को मिला। फॉर्मल सेक्टर के एक सिग्निफिकेंट वर्कफोर्स की एम्प्लॉयमेंट चली गई, जिसे कॉन्ट्रैक्ट और प्रोजेक्ट बेस्ड इनफॉर्मल वर्कफोर्स ने सप्लीमेंट किया।
इसके चलते एक इनफॉर्मलाइजेशन की वेव ने भी जन्म लिया, जिसके चलते इनफॉर्मल वर्कर्स की संख्या और बढ़ गई। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी द्वारा कंडक्टेड एक एनालिसिस ने बताया कि 2019 में परमानेंटली सैलरीड एम्प्लॉयज के 34.1% इंडिविजुअल्स 2020 में सेल्फ एम्प्लॉयड हो गए और 9.8% सैलरीड एम्प्लॉयज डेली वेज वर्कर्स बनने पे मजबूर हुए। SBI की रिपोर्ट ने दावा किया है कि एक समय पे इंडियन इकोनॉमी का 50% कंट्रीब्यूट करने वाला इनफॉर्मल सेक्टर श्रिंक करते हुए लॉकडाउन के बाद केवल 20% कंट्रीब्यूट कर रहा है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि डेवलपमेंट और बेटर फाइनेंशियल कंडीशंस के कारण इनफॉर्मल सेक्टर ने खुद को फॉर्मल सेक्टर में चेंज करना शुरू कर दिया है, जिससे इकोनॉमी में उसका शेयर कम हो गया है, बल्कि कई इनफॉर्मल सेक्टर्स बंद हो गए हैं और इनफॉर्मल एम्प्लॉयज अनएम्प्लॉयड हो चुके हैं, जिसके कारण इस सेक्टर के श्रिंक होने की बातें रिपोर्ट्स में की जा रही हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट के पास रूरल वर्कर्स को टारगेट करने के लिए मनरेगा जैसे प्रोग्राम्स हैं, लेकिन अर्बन सेंटर्स के इनफॉर्मल वर्कर्स इन स्कीम्स से दूर रह जाते हैं, जिससे उनकी वल्नरेबिलिटीज और बढ़ जाती हैं। दोस्तों, गवर्नमेंट इकोनॉमी के ज्यादा से ज्यादा एंटरप्राइजेस को फॉर्मलाइज करने के कई स्टेप्स ले रही है। इंडिया ने अनऑर्गेनाइज वर्कर्स का डेटाबेस क्रिएट करने के लिए ई श्रम पोर्टल को लॉन्च किया है, जिसने 30th अक्टूबर से पहले 5.3 करोड़ से ज्यादा वर्कर्स का रजिस्ट्रेशन देखा था। गवर्नमेंट आज फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट को इंसेंटिवाइज कर इनफॉर्मल एंटिटीज को फॉर्मल इकोनॉमी में इंटीग्रेट करने का प्रयास कर रही है। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड्स ऑर्गेनाइजेशन या EPFO के अंडर रजिस्टर्ड एस्टैब्लिशमेंट्स को गवर्नमेंट आज इंसेंटिव्स प्रोवाइड कर रही हैं, जिससे वो ज्यादा से ज्यादा वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स के साथ हायर करें। इस स्कीम के तहत गवर्नमेंट एडिशनल बेनिफिट कॉस्ट के एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन को 2 साल तक पे करने की इंसेंटिव दे रही है, जो एंटरप्राइजेस के लिए बूस्ट का काम करेगी। इसके अलावा गवर्नमेंट ने जुलाई 2020 से स्मॉल बिजनेस के रजिस्ट्रेशन का नया प्रोसेस उद्यम भी लॉन्च किया है। उद्यम रजिस्ट्रेशन के इनफॉर्मल सेक्टर के फॉर्मलाइजेशन में एक अहम भूमिका निभाएगी, जहां एक और उद्यम रजिस्ट्रेशन के साथ गवर्नमेंट इस सेक्टर से जुड़े इंपॉर्टेंट डेटा को कलेक्ट कर पाएगी। वही रजिस्ट्रेशन के बाद स्मॉल बिजनेसमैन गवर्नमेंट द्वारा ऑफर्ड कई स्कीम का एक्सेस कर पाएंगे। इस नए प्लेटफॉर्म पे अभी तक 50 लाख से ज्यादा MSMEs ने खुद को रजिस्टर किया है। दोस्तों, हमारी इकोनॉमी में इनफॉर्मल सेक्टर आज एक ऐसा पार्ट बन चुका है जिसे ना इग्नोर किया जा सकता है और ना ही रिमूव। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के स्टैग्नेशन की सिचुएशन में यदि इंडिया के लार्ज वर्कफोर्स को कोई एब्जॉर्ब कर सकता है तो वो इनफॉर्मल सेक्टर ही है। लेकिन आज इनफॉर्मल सेक्टर की स्थिति देख के लगता है कि कई चेंजेस की जरूरत है। इन चेंजेस का मकसद इनफॉर्मल एम्प्लॉयज को उन बेनिफिट्स और बेसिक राइट्स से इंट्रोड्यूस कराना है जो किसी भी वर्कर की बेसिक नीड है। शुरुआत होनी चाहिए प्रॉपर लेजिस्लेटिव चेंजेस से, ऐसे कंस्ट्रक्टिव लेजिस्लेटिव और फाइनेंशियल चेंजेस जिनसे इनफॉर्मल सेक्टर खुद को फॉर्मल सेक्टर में चेंज कर पाए। इनफॉर्मल सेक्टर का फॉर्मलाइजेशन यदि इंक्रीज एफिशिएंसी के साथ हो, जिससे स्मॉल इनफॉर्मल बिजनेस के क्लोज होने के चांसेस कम हो जाएं, तो ये इनफॉर्मल सेक्टर के लिए हेल्पफुल साबित हो सकता है। इसके अलावा एक्सटर्नल डिमांड की ग्रोथ भी इनफॉर्मल सेक्टर की प्रॉस्पेरिटी के लिए हेल्पफुल साबित होगी। पॉलिसी रिफॉर्म की मदद से होने वाले फॉर्मलाइजेशन, जिससे स्मॉल और इनफॉर्मल बिजनेस ग्रो करते हुए मीडियम और लार्ज फॉर्मल बिजनेस में चेंज हो पाए, ये इंडियन इकोनॉमी के लिए सस्टेनेबल होगा। इसके अलावा सीजेंट एम्प्लॉयमेंट या डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट के कारण होने वाले लॉसेस को कवर करने के लिए सोशल असिस्टेंस स्कीम्स इनफॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयज को सेफगार्ड प्रोवाइड करेंगी। मनरेगा जैसे प्लान्स जो एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं, उन्हें एक्सटेंड कर यदि राउंड द ईयर अवेलेबल किया जा सके तो ये रूरल वर्कफोर्स के लिए एक बून साबित हो सकता है। इसके अलावा मनरेगा स्टाइल अर्बन सोशल वेलफेयर सिस्टम की जरूरत आज अर्बन इनफॉर्मल वर्कफोर्स को भी है। हमारे पास कई ऐसे लॉज हैं जिनसे एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट गवर्न की जाती हैं। इन कॉन्ट्रैक्ट्स को इनफॉर्मल सेक्टर में एक्सटेंड करना वर्कर्स की सिक्योरिटी के लिए एक पॉजिटिव स्टेप साबित हो सकता है। विमेन वर्कफोर्स के पार्टिसिपेशन को देखते हुए मैटरनिटी लीव और ऐसी कई बेसिक राइट्स लेजिस्लेशन द्वारा इनफॉर्मल सेक्टर में भी एक्सटेंड करना एक पॉजिटिव स्टेप होगा। इनफॉर्मल सेक्टर द्वारा प्रोवाइड किए जाने वाले एम्प्लॉयमेंट और GDP कंट्रीब्यूशन को देख ये बात साफ है कि गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसी मेकिंग और इकोनॉमिक प्लानिंग में इस सेक्टर को सेंट्रल रोल प्रोवाइड करना होगा। जहां एक और किसान क्रेडिट कार्ड जैसे इनिशिएटिव्स एग्रीकल्चरल लेबरर्स को
फार्मिंग रिलेटेड फाइनेंशियल लोन्स तो प्रोवाइड करते हैं, लेकिन आज भी नॉन फार्मिंग एक्सपेंसेस के लिए इंडियन फार्मर्स नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से क्रेडिट लेने पे मजबूर हैं। गवर्नमेंट को जरूरत है कि इन लूप होल्स को रिमूव कर एग्रीकल्चर सेक्टर बेटर फॉर्मलाइजेशन प्रोवाइड करें। तो दोस्तों, ये थी एक एनालिसिस इंडिया के इनफॉर्मल सेक्टर की। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपके क्या सुझाव और ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। किन तरीकों को यूज करके हम इनफॉर्मल सेक्टर को बूस्ट, सिक्योरिटी और सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।